पंजाब के मोगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक स्थानीय राजनेता की मोगा जिले के डाला गांव में कुछ अज्ञात चोरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बलजिंदर सिंह बल्ली के रूप में हुई, जिसे सोमवार को कुछ हमलावरों ने उनके घर में घुसकर दो बार गोली मारी। एक गोली उनके सीने में लगी तो दूसरी उनके पैर। वारदात की सारी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमलावरों को भागते हुए देखा गया। सूत्रों के मुताबिक बलजिंदर सिंह बल्ली अपने घर पर बाल कटवा रहे थे। उनको एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने कथित तौर पर उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। बल्ली से रोजमर्रा की बात मानकर फोन करने वाले से मिलने के लिए अपने घर से निकल गए। तभी दो बाइक सवार हमलावरों ने बल्ली पर कई गोलियां चलाई, जिसके बाद हमलावर मौके से भागने में भी कामयाब हो गए। सूत्रों के मुताबिक अपराध के कुछ घंटों बाद फेसबुक पर खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डाला ने एक पोस्ट डाली, जिसमें उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। जानकारी के मुताबिक अर्श डाला अभी कनाडा में है। अपनी पोस्ट में डाला ने बलजिंदर सिंह बल्ली पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेता बल्ली ने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया और उसे एक गैंगस्टर बनाने पर मजबूर कर दिया। डाला ने आगे कहा कि बल्ली ने ही उसकी माँ को पुलिस की हिरासत में भेजा था और इसी बात की वजह से उसने बल्ली से ये बदला लिया है। डाला ने आगे कहा, मेरी जिंदगी का मकसद अपनी जिंदगी जीना नहीं बल्कि उसे मारना था। हम चाहते तो उसके बच्चे को भी मार देते, लेकिन उस बच्चे का कहीं कोई दोष नहीं था। जो लोग उनसे हमदर्दी रखते हैं उनके घर भी हमारे लिए दूर नहीं। इस बीच पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मोगा के एएसपी ने कहा कि डाला की कथित फेसबुक पोस्ट की जांच की जा रही है। चलिए बात करते हैं अर्श डाला के बारे में। कौन है ये अर्श डाला? बता दें कि अर्श डाला खालिस्तानी आतंकवादी है जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से वांटेड है। डाला पिछले 3-4 साल से कनाडा रह रहा है और वहीं काम कर रहा है। इसके अलावा पंजाब में हुई कई आतंकवादी हत्याओं के मामले में भी वो शामिल है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की निंदा की है और इसके लिए भगवत मान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।